So hello friends, today we will discuss about the titration. ठीक है, तो titration जो है फर्स्टली हम करते क्यों हैं, जैसे अगर किसी भी सब्सटेंस की स्ट्रेंथ क्या है इसको जानने के लिए हम लोग टाइट्रेशन करते हैं। इसमें दो सब्सटेंस के हम रिएक्शन कराते हैं, तो यदि आपकी दो सब्सटेंस की रिएक्शन कराते हैं हम ए और प्लस बी की, तो इन दोनों के जो इक्वलेंट्स हैं वो आपके सेम होंगे। तो जितने इक्वलेंट्स ए के होंगे, मान लो एन वन बी वन है और इसके इक्वलेंट्स होंगे एन टू बी टू, दीज आर इक्वल्स। ठीक है, आपको आई होप सो नॉर्मैलिटी की और ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह इन सब की कंसेप्ट पता होगी। तो ये जो दोनों इक्वलेंस इक्वल होते हैं, इसी बेस पर हम लोग जो है सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं भैया, एक सब्सटेंस को हम लोग ब्यूरेट में ले लेते हैं, ब्यूरेट आपका इस तरीके से होता है, और एक सब्सटेंस को आप कोनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं, और इसमें आप सुटेबल इंडिकेटर यूज कर लेते हैं। सुटेबल इंडिकेटर जो आप यूज कर लेते हैं तो उसके कलर चेंज से आपको एंड पॉइंट का पता लग जाता है। सो आप नेक्स्ट वीडियो में फिनोफ्थलीन और इंडिकेटर की मदद से NaOH और HCl किस तरीके से हम टाइट्रेशन करा रहे हैं इसको देखेंगे। तो इसमें यदि आपको HCl का वॉल्यूम और स्ट्रेंथ पता है तो आप NaOH की कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि NaOH की पता है तो उससे आप HCl कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपका फिनोफ्थलीन का यूज करना है। फिनोफ्थलीन जो आपका इंडिकेटर है, ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में आपका पिंक कलर का होता है। इसकी जो पीएच चेंज होती है, कलर चेंज होता है, वो पीएच 8 टू 9 के अराउंड होता है। ठीक है, तो ये आप जो है इसमें टाइट्रेशन के प्रोसेस को देखेंगे, और टाइट्रेशन आपकी कई टाइप्स की हो सकती है। सिंपल टाइट्रेशन हो सकती है, दूसरी आपकी डबल टाइट्रेशन भी हो सकती है और बैक टाइट्रेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो आपकी जो सिंपल टाइट्रेशन है इसमें आप दो सब्सटेंसेस की सीधी सीधी केमिकल रिएक्शन कराते हैं, और डबल टाइट्रेशन में आप लोग डबल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं और दो सब्सटेंसेस जैसे NaOH प्लस NaHCO3, और बैक टाइट्रेशन में एक आपका जो रीजेंट है, जैसे आपने यहाँ बी रिएक्शन कराई तो बी को एक्सेस में ले लिया, बाद में रिमेनिंग को हमने फिर ए से रिएक्ट कराया, तो उसमें भी हम दोनों साइड के टोटल ग्राम इक्वलाइट्स इक्वल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे डबल टाइट्रेशन।
सो हम लोग डबल टाइट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो डबल टाइट्रेशन में हम लोग दो इंडिकेटर यूज करेंगे, एक तो फिनोक्लिन पहले, और दूसरा मिथाइल अप्रोच। फिनोक्लिन आपका जो कलर चेंज करता है वो 8-9 पीएच के अकॉर्डिंग कर लेता है, और ये आपका 3 से 4.4। ठीक है, तो डबल टाइट्रेशन में एक बार आप फिनोक्लिन इंडिकेटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, दूसरी बार मिथाइल ऑरेंज के साथ कराएंगे। हो सकता है दोनों के साथ अलग अलग कराए, हो सकता है दोनों के साथ एक सॉल्यूशन को मिलाए। तो ये आपकी दो पॉसिबिलिटीज है जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखनी है। और आपका जो इसमें आप सब्सटेंसेस यूज करेंगे, एक तो आप एसिड यूज करेंगे जो HCl भी हो सकता है और H2SO4 भी हो सकता है, और जिसकी हमारे को कंसंट्रेशन पता होगी HCl की H2SO4 की, और हम एक मिक्सचर लेंगे। मिक्सचर नॉर्मली आपके तीन सब्सटेंसेस होंगे, NaOH, NaHCO3 और आपका Na2SO4। ठीक है, इसको वीडियो को देखने से पहले यदि आपको कुछ चीज समझ नहीं आए तो आप इक्विवेलेंट मास का, नॉर्मलिटी का और एन फैक्टर का वीडियो देखने और कंसंट्रेशन का, क्योंकि उसके बाद इसके लॉजिक्स आपको क्लियर हो। तो आपका जो NaOH है और इनके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो आपका या तो आप ये हो सकता है कि NaOH प्लस NaHCO3 ले लें, या ये हो सकता है कि आप NaOH प्लस Na2CO3 ले लें, ये भी हो सकता है कि आप NaOH सॉरी Na2CO3 प्लस NaHCO3 यूज करें। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी का भी आपको जो है ले लें। अच्छा जी, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भाई NaOH विल कंप्लीट न्यूट्रलाइज, विल फिनोक्लिन एंड मिथाइल अप्रोच। ठीक है, तो NaOH जो आपका पूरा कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये आपकी ये रिएक्शन है। उसके बाद दूसरा आपका जो NaHCO3 है, that will not react in presence of phenol. आपका जो NaHCO3 है, that will react in presence of phenol. It will react in presence of phenolphthalein, or presence of methyl OH. तो वहां पर ही आपकी ये रिएक्शन करता है NaHCO3 प्लस HCl, NaCl प्लस H2O प्लस। तो ये आप भी यहाँ पर ये रिएक्शन करता है। आपका जो Na2CO3 है, ये इन प्रेजेंस ऑफ फिनोक्लिन इट विल न्यूट्रलाइज हाफ। ठीक है, ये आपका हाफ न्यूट्रलाइज होता है। यदि आप इसकी मिथाइल ऑरेंज से रिएक्शन कराएंगे तो इट विल न्यूट्रलाइज कंप्लीट NaHCO3 इन प्रेजेंस ऑफ
या आपका कंप्लीट न्यूट्रल। सो आप जो है मिक्सचर लेते हैं इसमें HCl सॉल्यूशन के साथ इनकी टाइट्रेशन कराते हैं, तो इसमें आप दो सॉल्यूशन लेते हैं टाइट्रेशन के, ठीक है, घी में टू सॉल्यूशंस ऑफ मिक्सचर एंड दे आर टाइट्रेटेड सेपरेटली। सो मान लीजिए आपके इसके आपके x इक्वलेंस है इसके आपके y के, तो फिर ऑक्सीजन के साथ ये तो पूरा टाइट्रेट हो जाएगा आपका, और Na2CO3 हाफ होगा तो दैट इज 1। Na और NaCO3 में ये आपका मान लो x है ये y है, ठीक है, तो ये तो पूरा पूरा टाइट्रेट हो जाएगा और ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो x हो जाएगा और आपके जो है तो आपकी जो टाइट्रेशन के HCl के वॉल्यूम्स आते हैं उनसे दो इक्वेशन बन जाती है, जैसे दो इक्वेशन में दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इनके मिल इक्वलेंट्स निकल जाते हैं, इक्वलेंट्स निकल जाते हैं या मिल इक्वलेंट्स, उनसे हम सब्सटेंस की कंसंट्रेशन निकालते हैं। सो जो दूसरी कंडीशन होती है उसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद सेम ही सॉल्यूशन में हम लोग मिथाइल अरेंज ऐड करते हैं, ये आपका डबल टाइट्रेशन के क्वेश्चंस का बेसिक प्रिंसिपल है, तो इन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और बड़े आराम से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आप जो भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट आए उन पे पहले वीडियो को रोक दीजिएगा, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और यदि नहीं हो तो फिर आप इसका सॉल्यूशन दीजिए। Na2CO3 इसका 25 ml का मिक्सचर है और रिएक्ट विद N by 10 HCl, फिनोफ्थ्रीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके आप किससे यूज हो रहे हैं 25 ml। तो मान लीजिए इसके आपके x मिली इक्वलेंट थे और इसके y मिली इक्वलेंट, तो फिनोफ्थ्रीन के साथ ये तो पूरा रिएक्ट कर जाएगा और ये आपका हाफ रिएक्ट करेगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस y बाई टू इजिकल्स टू 25 इंटू 1/10, ठीक, ये आपके इनके दोनों मिली इक्वलेंट हो गए। और आपका जब ये NaOH प्लस Na2CO3
मिथाइल ऑरेंज के साथ सेपरेटली रिएक्ट कर रहा था एक्सियन के साथ, इसके 30 ml एन बाई 10 एक्सियन के यूज हो विद मिथाइल। यहां पर इक्वेशन क्या बनता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 इंटू 1 बाई टी, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बचेगा, y बाई टू इज इक्वल टू 0.5, y इज इक्वल टू आपका 1 मिली इक्विवेलेंट और x इज इक्वल टू 2 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो y क्या था आपका Na2CO3, ठीक है। इसको आप 1 लीटर के मास में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 × 10⁻³ इंटू 1000 बाय आपका 25 × 53 यह आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका यह आएगा 2.12 ग्राम, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आपका 2 मिली इक्विवेलेंट्स है NaOH के, 2 × 10⁻³ इक्विवेलेंट बना दिए और 1000 × 25 × 40 दैट इज इक्वल टू 3.2 ग्राम आपका आंसर आ गया। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज 25 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3 व्हेन टाइट्रेटेड विद N/10 HCl यूजिंग फिनोक्सिलीन इंडिकेटर रिक्वायर्ड 25 ml HCl टू डीकोलराइज फिनोक्सिलीन। At this stage, methyl orange was added and the addition of the acid was continued till the second endpoint was reached. After addition of 5 ml of acid, calculate the amount of Na2CO3 and NaOH in 1 liter. इस क्वेश्चन में क्या करा गया है कि भाई आपका फिनोक्सिलीन हमने डालने के बाद उसी सॉल्यूशन के अंदर मिथाइल ऑरेंज डाला है और उससे टाइट्रेशन कराएंगे, कंटिन्यूस कराएंगे। तो यहाँ पर जो आपका ये पहली इक्वेशन था एज़ इट इज़ बनेगी, दूसरी इक्वेशन में आपका चेंज होगा, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन में जो आपका चेंज है और यहाँ पर आपके इसके 5 ml, ठीक है, HCl। तो आपका जो दूसरी इक्वेशन है इसमें आपकी जो बनेगा इक्वेशन तो दैट इज क्या बनेगी, 5/y/2 इजिकल्स टू 5 × 1/10, क्योंकि आपका जो x प्लस y/2 है वो फिनोक्सिलीन के साथ ही रिएक्ट कर गया होगा और सिर्फ y/2 Na2CO3 बचा होगा जो आपका मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्ट करेगा। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर से लगते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है और आपको ये थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा।